चमोली जिले के दूरस्थ गांव ईरानी को भारतीय डाक विभाग ने बैंकिंग की सौगात दी। बता दें कि गांव में बैंकिंग सुविधा न होने के कारण ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं अब बैंक की ऑनलाइन शाखा का उद्घाटन हो जाने के बाद ग्रामीणों को गांव में ही बैंकिंग सुविधा मिल सकेगी। दरअसल गांव के ज्यादातर लोगों के खाते पोस्ट ऑफिस में थे, जो कि ऑनलाइन नहीं थे, जिससे लोगों को समाज कल्याण विभाग के माध्यम से मिलने वाली वृद्ध पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन के अलावा कई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। इस पर ग्राम प्रधान मोहन सिंह नेगी ने मुख्य डाक अधीक्षक से वार्तालाप की, जिसके बाद ईरानी गांव में पोस्टल बैंक की शाखा का विधिवत उद्घाटन किया गया। चमोली से संदीप सिंह की रिपोर्ट। पेंशन अगले क्वार्टर से पोस्ट ऑफिस के पुराने खातों में नहीं आएगी। आज मेरे गांव ईरानी में भारतीय पोस्टल विभाग के द्वारा इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक का उद्घाटन किया गया है, क्योंकि इससे पूर्व हमारे सभी लोगों के मनरेगा, सभी प्रकार की पेंशन यहां पोस्ट ऑफिस में थे, लेकिन बैंक पोस्ट ऑफिस सीबीएस नहीं था और इस कारण सभी की पेंशन बंद हो गई थी। तो मैंने पोस्टल विभाग गोपेश्वर से आग्रह किया और उनके द्वारा मेरे आग्रह को स्वीकार करते हुए आज मेरे गांव ईरानी में पोस्टल बैंक का शुभारंभ कर दिया गया है। आने वाले समय में सभी गांव के लोगों की पेंशन, अन्य प्रकार की सरकारी सुविधाएं यहां प्राप्त हो पाएगी और लोगों को बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेगा।